Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys all are doing well. So, मैं आज की वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है, एक बैग का रिव्यू करने जा रही हूँ. मैं रिव्यू चेक कर रही थी एक डिफरेंट बैग का, वो भी बैग मैंने ऑर्डर करा है. सो उसका भी रिव्यू मैं शेयर करूंगी जब वो बैग मुझे मिल गया. लेकिन ये वाला बैग मुझे जल्दी रिसीव हो गया, तो इसका रिव्यू मैं कर रही हूँ. ये बहुत अच्छी डील पे चल रहा था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. सेकेंड चीज जो मुझे चीज इम्प्रेसिंग लगी इसकी, मुझे इसका कैपेसिटी बहुत अच्छा लगा, जो कि आप इसमें मतलब बहुत सारा सामान रख सकते हो. इवन तो यू विल गेट सम कंपार्टमेंट्स, बट स्टिल बहुत अच्छा है. चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, आपको बैग दिखाती हूँ, पहले आप एक क्विक रिव्यू देख लीजिए. सो गाइज, ये बैग बहुत अच्छा है और ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिला है. सो यू कैन सी यहाँ पे शो कर रहा है 299, लाइक ऑलमोस्ट 3000 का ये शो कर रहा है MRP. लेकिन इस बैग के लिए मैंने जस्ट पे किया है 1299. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अभी मैं आपको बैग की एक एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ. इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत नाइसली डन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी से इसकी स्टिचिंग हुई हुई है. और मुझे इस तरह का बेज कलर का बैग ऑलवेज चाहिए था. फैब्रिक की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है. मतलब आई वॉज़न एक्सपेक्टिंग कि अमेज़ोन से मुझे इतना अच्छा बैग मिल जाएगा. और जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा डीप वाली मतलब पॉकेट है. यू कैन इवन स्टोर योर मोबाइल, यू कैन जस्ट कीप योर कीज़, वट एवर आपको जो हैंडी चाहिए आप पीछे रख सकते हो. और बहुत ज़्यादा डीप पॉकेट थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के साथ आपको मिल रही है. और मुझे ऐसे बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनके मतलब बैक साइड पर भी मतलब एक जिप हो. अभी मैं आपको नेक्स्ट कंपार्टमेंट दिखाती हूँ, जो कि मेन वाला है. तो जिप्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे. और आप देख सकते हो ये पूरा अच्छे से मतलब ओपन भी हो जाता है, लाइक अपनी नोटबुक्स भी आप अच्छे से रख सकते हो. इसके साथ आपको एक बेल्ट मिल जाती है अगर आप इसको एज अ स्लिंग कैरी करना चाहते हो, या फिर एज अ शोल्डर बैग, बिकॉज जो स्लिंग इसके साथ मिलती है वो एडजस्टेबल होती है. आप ईजिली उसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो अंदर आप देख सकते हो दो पॉकेट्स हैं. ये जो छोटी वाली पॉकेट्स हैं, इसमें भी आप अपना फ़ोन और कुछ भी रख सकते हो. जो जिपर पॉकेट आपको दिख रही है वो भी बहुत डीप है. मतलब जो इन्होंने मेन चीज़ बनाई है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स ना दे के अंदर ही इन्होंने स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखी है. सो यू कैन कीप सो मेनी थिंग्स, अगर आप वो लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको कैरी करना पसंद है, तो सो यू कैन ईजिली कीप एवरीथिंग इन दिस बैग. ऑनेस्टली मुझे ओवरऑल इसकी क्वालिटी 10 out of 10 लगी. इसकी फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी है, और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है. इसका ब्रांडिंग भी हो रखा है क्लाउन फिश. सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया है कि ये बैग कितना ब्यूटीफुल है. इसका पैटर्न, इसका जो क्वालिटी, स्टिचिंग, एवरीथिंग इज नाइसली डन. दिस इज हाउ द साइज लुक्स, एंड बहुत ही डिसेंट साइज है. और जैसे सूटकेस जैसा भी है, इसको आप एज अ मेकअप किट भी यूज कर सकते हो. मुझे बेज कलर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आप डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हो, डार्क में जा सकते हो, ब्लू, ऐसे कुछ कलर्स भी हैं. सो इसका कैपेसिटी तो मैंने आपको दिखाई दी, और अच्छी सी पॉकेट्स भी मैंने आपको दिखाई है. सो ओवरऑल आई वुड रेट दिस लाइक अ 10 out of 10. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मुझे इसका जो ओवरऑल साइज प्राइस वाइज बहुत अच्छा लगा. और ये अराउंड 299 इसका कुछ रिटेल प्राइस है. क्लाउन फिश ये ब्रांड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लाउन फिश का है. और इट कम्स विद, सो इसमें आपको 1 year की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी मिलती है. उसका क्या मतलब है कि अगर इस पर कोई भी इसकी जिप्स खराब हो जाए, स्टिचिंग कम्स आउट और एनीथिंग हैपन्स मैन्युफैक्चरिंग, तो आप वो क्लेम कर सकते हो 1 साल तक, विच इज़ रियली गुड. सो बैग्स पे 1 year की वारंटी मिलना आई थिंक ह्यूज. और वो कब स्टार्ट होगी, जब आप इसको परचेज कर लोगे तब से. यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है जो इसका वारंटी कार्ड मिलता है. सो मुझे लगता है ये बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है. और आजकल फैब्रिक ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेंड चल रहा है, लाइक लेदर एंड फैब्रिक और जस्ट फैब्रिक. सो मुझे ये वाला पैटर्न इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, यू काइंड ऑफ गेस कि मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बेज और इस तरह का. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. इसका बहुत छोटू सा मैंने रिव्यू देखा था, तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड. सो मैंने सोचा कि अगर मैं बड़ा रिव्यू करूंगी, सो मेनी पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस ब्रांड, बिकॉज दिस डिजर्व्स इट, लाइक दिस ब्रांड डिजर्व्स लिटिल हाइप ऑल्सो. सो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस. अगर आपको भी इस तरह का लाइक
1200 और 1300 के अराउंड कुछ बैग चाहिए, लाइक अच्छी क्वालिटी का आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज एक्चुअली मस्ट बाय। और अगर आप लाइक बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो फिर भी यू कैन गेट दिस वन। अगर आप वर्किंग हो स्टिल मतलब ये आपकी काफी इसेंशियल्स जो है वो स्टोर कर लेगा बिकॉज इट हैज अ ह्यूज कैपेसिटी। एज यू गाइस कैन सी इसमें बहुत ज्यादा सामान आ सकता है आपका, बहुत कैपेसिटी है इसमें। अगर आप चाहते हो तो मैं कितनी कैपेसिटी है उसकी वीडियो भी मैं अलग से इसकी शॉर्ट में बना दूंगी कि क्या क्या इसमें आप रख सकते हो। सो ओवरऑल आई लाइक इट। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इस तरह के और भी रिव्यूज आएंगे, लाइक इट्स गोना बी मल्टी टाइप रिव्यूज, नॉट जस्ट अ बैग्स और नॉट जस्ट अ मेकअप। सो आई विल बी रिव्यूइंग लाइक अ मेकअप bags, whatever I'm getting, I want to review either it's good or like bad. So thank you so much for watching, thank you so much for giving your precious time. See you in the next video. Bye bye.